वाइस जा रही है आप लोग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कल की क्लास में घातुक हो गया था। लास्ट लाइन ये लिखी है, अपनी लगन व अनवरत परीक्षण से मूर्ति शिल्प कला को सन हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलो। फिर अपनी लगन व अनवरत परिश्रम से मूर्ति शिल्प कला को समृद्ध मतलब किया। कहने का ये था कि हम लोग क्या लिख रहे थे पिछली बार, किस कलाकार को लिख रहे थे? धनराज धन्यवाद भगत को। तो धनराज भगत कंप्लीट हो गए थे ना। क्या हुआ, कंफ्यूजन है कोई? सबको ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? क्लास क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नो कल दीपक ने मैसेज किया था कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा तो नहीं किसी को दिक्कत आ रही है कि ज्वाइन होने में प्रॉब्लम आती है? लेकिन पहले लिखे नाग जी पटेल। जी नाग जी पटेल, नाग जी सर, है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सबके साथ यही प्रॉब्लम सुनाई है। कम दे रहा है? नहीं सुनाई कम दे रहा है सर, धीरे आ रही है थोड़ा तेज। हमको सर आ रही है, थोड़ा सा धीमे आ रही है शायद। नाग जी पटेल बोला आपने अभी। हाँ, नाग जी पटेल नाग बोला हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि वॉइस सबको धीमे आ रही है कि किसी के साथ प्रॉब्लम है? तो नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सबको आ रही है तो फिर कहीं नहीं ना सर, कहीं सही हमारी आ नेट रही की है, प्रॉब्लम। नहीं अब सही सही। हाँ, नाग जी पटेल 1937। नाग जी पटेल नाइनटीन थर्टी सेवन में
1937 ईस्वी में, 1937 में जूनी जिठाड़ी, जूनी जिठाड़ी सर रिपीट कर दीजिए। रिपीटिंग कदर गुजरात के जूनी जिठाड़ी। आवाज नहीं क्लियर आ रही है क्या? आ नहीं सर। जूनी जिठाड़ी में जन्मे, में जन्मे 1937 में गुजरात के जूनी जिठाड़ी में जन्मे। कुछ किताबों में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन दिए रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जिठाड़ी में जन्मे नागजी पटेल ने एम एस विश्वविद्यालय बड़ौदा, से मूर्तिकला में MFA की शिक्षा प्राप्त की। नागजी पटेल के मूर्ति शिल्पों का महत्वपूर्ण अंग उत्कीर्णन ब्रैकेट में लिख लो कार्विंग उत्कीर्णन का मतलब होता है जब हम किसी को किसी सरफेस पे किसी भी माध्यम से जो हम टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं, जिस तरीके के बाह्य आवरण की जो फॉर्मेशन है उसको बनाते हैं, या जो भी जिस तरीके का जो हमारे विचार है, जिस तरीके के हमारे हमारे मस्तिष्क में सृजन चल रहा है, या हमने जो निरीक्षण किया है अपने आसपास के जीवन का, उसके आधार पर अपने शिल्प में किस तरीके से हमें क्या करना है। उसी संदर्भ में यह है कि जो वो मूर्ति शिल्प बनाते थे तो उसका जो एक महत्वपूर्ण अंग है वो उत्कीर्णन रहा है। तो नागजी पटेल के मूर्ति शिल्पों का महत्वपूर्ण अंग उत्कीर्णन रहा है। ब्रैकेट में कार्विंग कर लेना उत्कीर्णन के द्वारा। आप अधिकांशता परस्तर आप अधिकांशता प्रस्तर ब्रैकेट में लिख लो संगमरमर कामा ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन
सकता था। कैसे सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, स्टोन मतलब जैसे पत्थर होते हैं, ये उनके सबके एक प्रकार है। जैसे संगमरमर एक तरीका पर पत्थर है, ग्रेनाइट एक तरीके का पत्थर है, उसकी संरचना, उसका सरफेस, उसका कलर हमारे किस तरीके के जो हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, या जो हम अपने मस्तिष्क में जिस विचारों को उधेड़ बुन में लगे हुए हैं और उससे जो अंततः हमको प्राप्त करना है, उसके लिए मटेरियल किस तरीके का सही रहेगा, ये कलाकारी अच्छे से बता सकता है कि जो उस चीज को बनाने का या जो उसकी विचारधारा है या जिस संदर्भ में वो काम करना चाहता है उसके लिए वो मटेरियल क्या है। तो यहाँ पर प्रस्तर यानी जितने भी तरीके के जो पत्थर हैं उनमें से जो खासियत अलग अलग सबकी है, उनमें से जो वो मुख्यतः इस्तेमाल करते हैं उनमें संगमरमर, ग्रेनाइट तथा सैंड स्टोन, ये पत्थरों के टाइप है। और भी चीजें वो इंक्लूड करते हैं लेकिन ये मुख्यतः इस तरीके की चीजें उन्होंने अपने शिल्प में इस्तेमाल की है। किस तरीके की चीज, किस तरीके के पत्थर का कब कहाँ इस्तेमाल करना है, ये उन्होंने अपने निरीक्षण अपने अनुभव के आधार पर इस्तेमाल किया, जिससे कि उनकी जो अभिव्यंजना है वो मुखर रूप से लोगों तक आए और लोग उसको देखें और उनके जो उन्होंने समझा है, जो जाना है उसको ग्रहित करें। ठीक है, तो इसलिए जो ये प्रकार हैं, और भी तरीके के पत्थर आते हैं उनमें से ये मुख्यता है। जो सैंडस्टोन उसकी अपनी एक खासियत है, ग्रेनाइट की अपनी एक खासियत है, संगमरमर का अपना एक रूप है। आप अधिकांशतः प्रस्तर संगमरमर, ग्रेनाइट तथा सैंडस्टोन माध्यम में सृजन करते हैं। तथा कभी कभी शीशम की लकड़ी का प्रयोग भी करते हैं, शीशम की लकड़ी का प्रयोग भी करते हैं। प्रारंभिक कला प्रशिक्षण लेने के पश्चात, प्रारंभिक कला प्रशिक्षण लेने के पश्चात, प्रारंभिक कला प्रशिक्षण लेने के बाद आपने प्रारंभिक कला प्रशिक्षण लेने के पश्चात आपने सैंडस्टोन कार्विंग सैंडस्टोन कार्विंग महाबलीपुरम में स्थापित गणपति के निर्देशन में तथा संगमरमर की कार्विंग महाबलीपुरम में स्थापित गणपति के निर्देशन में तथा संगमरमर कार्विंग राजस्थान में मकराना की खदानों में सीखी। आपके मूर्ति शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, बीज, सर्प आदि रूपाकार परलिखित होते हैं
इन रूपाकारों में सरल 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 विरूपण सरल सरल विरूपण के साथ टेक्सचर का विरोधाभास अद्भुत है। टेक्सचर का विरोधाभास अद्भुत है। प्रस्तर की दानेदार तथा अर्प तथा अपरिपक्व सतह के साथ चमकदार व चिकनी सतह का प्रयोग आपकी शैली का महत्वपूर्ण भाग है। प्रारंभिक छोटे मूर्ति शिल्पों को छोड़कर आपके अधिकांश मूर्ति शिल्प खुले वातावरण में जमीन से जुड़े हैं। प्रारंभिक छोटे मूर्ति शिल्पों को छोड़कर आपके अधिकांश मूर्ति शिल्प खुले वातावरण में जमीन से जुड़े हैं। जोधपुर में सैंडस्टोन में बने वट वृक्ष इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जोधपुर में वन वृक्ष क्या बोले? जोधपुर में सैंडस्टोन में बने वट वृक्ष, मतलब दो वृक्ष बने हैं सैंडस्टोन में, और बरगद का जिस तरीके का टेक्सचर होता है तो उसकी जो पत्तियों की घनत्व है उसका ऊपर की तरफ उन्होंने तोरण के रूप में बनाया है, और वो दो पेयर के पिलर हैं जो एक गेटवे जैसा मतलब एहसास दिलाते हैं। तो ये इनका काफी फेमस वर्क है। जोधपुर में सैंडस्टोन में बने वट वृक्ष इसका श्रेष्ठ उदाहरण है।
नाग जी पटेल नाग जी पटेल अपने माध्यम के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत संवेदनशील है। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब होगा कि नागजी पटेल अपने माध्यम के अत्यंत माध्यम के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? तो मतलब वो कोई भी मीडियम चूज करते समय बहुत ध्यान से और हर मीडियम के प्रति उनका अलग इमोशन होता होगा, बहुत हर चीज बहुत प्यार से चुनते होंगे सारे मीडियम अपने। मतलब उनका जो मीडियम के प्रति जो उन्होंने स्टोन्स के प्रति जो उनका अनुभव था, किस तरीके का पत्थर किस तरीके की क्वालिटी रखता है और किस तरीके से उनके जो दिमाग में जो अभिव्यंजना चल रही है उसके आधार पर कौन सा सटीक रूप लेगा, इस तरीके की चीजें। जैसे अब हम क्या है कि किसी चीज को कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम करना चाहते हैं, तो हम जब उसको परचेज करने जाते हैं तो उसके सारे गुण दोष और वो हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी हो सकता है या हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए वो किस तरीके का महत्वपूर्ण हो सकता है, उसमें क्या चीज हम देखेंगे, उस तरीके का जो निरीक्षण है वो यहाँ पर उनका था। कि मतलब वो संवेदनशील से मतलब है कि वो किस उसका ऊपर का सरफेस किस तरीके का है, छूने में किस तरीके का आभास आएगा, लोगों को किस तरीके से फील होगा ये देखने में, तो वो सारी चीजों को बहुत ढंग से ऑब्जर्व करके और उनका उस फील्ड में मतलब जो पत्थरों की जो चुनाव था वो बहुत ही अहम हुआ करता था और उसके लिए बहुत वो निरीक्षण करते थे खदानों में जाके। जब तक उनको सही चीज मिलती नहीं थी तो उसको मतलब इस्तेमाल नहीं करते थे, इस तरीके की चीज यानी उनके जो संवेदन थे वो उस माध्यम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और जो वो अपनी मतलब जो भी शिल्प की रचना करते थे तो वो किस तरीके से कहाँ पर ज्यादा सटीक रूप से बैठेगा उस चीज के लिए माध्यम के चुनाव में वो इस तरीके की सजगता का इस्तेमाल करते थे। आप परस्तर के सर नागजी पटेल अपने माध्यम के प्रति, माध्यम मतलब जिस 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 तरीके के वो स्क्रिप्चर में जिस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करेंगे, नागजी पटेल अपने माध्यम के प्रति अत्यंत संवेदनशील। सर ये भी हो सकता है कि वो जैसे बलुआ पत्थर और ये ग्रेनाइट में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन उन वो सब इतने सारे अलग अलग पत्थरों में भी काम करके उनके स्ट्रोक्स मतलब उसी हिसाब से चलते होंगे, मतलब जैसे बलुआ पत्थर में लाइट स्ट्रोक। जैसे कि अब अगर हम जैसे हम हाँ हाँ वो सेम चीज है कि जैसे हम किसी चीज में काम जब कर रहे होते हैं तो जब हम बहुत सारा काम कर चुके होते हैं, हमारा जब अनुभव उस चीज के साथ में होता है तो हमको पता होता है कि हमको किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करना है। जैसे अब कलर है तो हमको पता होता है कि हम किस कंपनी का कलर लेंगे, उसमें उसका पिगमेंट हमको कहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ देगा, किस तरीके से उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ये जब तक हम कार्य का अनुभव नहीं लेते, जब तक हम कार्य करते नहीं है तब तक हमको इस तरीके के अनुभव नहीं हो सकते कि हम मीडियम को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके का मिश्रण करेंगे, कौन सी कंपनी का जो कलर है वो पिगमेंट ज्यादा अच्छा देता है, किसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, हमको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है कि हमें अपेक की जरूरत है। सेम कंडीशंस स्कल्पचर में होती है, वहां पर हमारा जो मीडियम है कि हम फाइबर इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। हम जो अनुभव कर रहे हैं यानी हमने जो जितना भी ये स्थापत्य बना हुआ है सारी चीजें हमको वहां से हमारे जीवन का अनुभव कहाँ से है, हम चीजों को जहाँ से देखते हैं। अब जो इतने गणमान्य कलाकारों ने जो इतना सृजन का काम कर दिया, जो स्थापत्य बनाए जो मॉन्यूमेंट बनाए, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, हमको उन मटेरियल्स को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है किस तरीके से। तो अब उन जब उन्होंने काम किया होगा तो उनके ऊपर भी कुछ लोगों ने काम किया होगा, वहां से उन्होंने प्रेरणा पाई किस तरीके से, फिर उन्होंने मतलब जो अपना स्थापत्य है इतना विशाल वास्तुकला है जो उसको देखा, वहां पर उन्होंने उन चीजों का निरीक्षण किया होगा, फिर उनकी अपनी एक साइकोलॉजी बनी कि हमको इस तरीके का काम करना है, इस तरीके का मीडियम इस्तेमाल करना। कलाकार कैसे काम करते हैं, अब जो स्टोन में काम करते हैं उनको किस तरीके का स्टोन चाहिए, अब वो जो उस पर छेनी चलाएंगे तो वो किस तरीके का काम करेगा, वो उतने अच्छे तरीके से हमारी जो चीजें हैं वो उनको उत्कीर्णन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत गहरा
वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव है, उसके आधार पर हम चीजें करते। तो वो चीज यहाँ पर एक शब्द में उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि मतलब इतने संवेदनशील थे कि वो कई काफी समय तक खदानों के चक्कर लगाते थे जब तक उनको अपने अपने तरीके का कंटेंट नहीं मिल जाता था, मतलब अपने तरीके का जब मटेरियल मिल जाता था तब फिर वो उस चीज को करने का काम शुरू करते थे। तो अब वो अनुभव कहाँ से आएगा, जब हम उन कामों को करेंगे, उन चीजों को महसूस करेंगे, उन चीजों से जुड़ी संवेदनाओं को महसूस करेंगे, तब हम वो मतलब वो जो निरीक्षण है हमारा, वो हमारा फिर क्या करता है, क्रिएटिव हो जाता है। जब हम उन चीजों को नए तरीके से, चीजें सारी हमारे उसी जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो जो हमने अनुभव की है उसमें हम किस तरीके से अपनी नई विचारधारा रखते हैं, हम किस चीज को जोड़ते हैं, किस चीज को निकालते हैं, हम किस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कलाकार के ऊपर। तो आपका जो उत्पीड़न का काम था वो बहुत ही, मतलब सिर्फ ये नहीं था कि हमने किसी चीज को किया, आपने उस चीज के प्रति बहुत सारा अनुभव लिया अपने पुराने वास्तुशिल्पों से, और इसके बाद में जो उन्होंने उन पत्थरों का, अब जिस तरीके से हमको हर चीज छूने पर एक एहसास होता है, तो उनके स्कल्पचर में वो ये ध्यान रखते थे कि अगर कोई हमको उसको छुएगा तो किस तरीके से उसमें उसको संवेदना महसूस होगी, किस तरीके से उसको फील आएगा, अगर अलग अलग टाइम में वो पत्थर किस किस तरीके का रिफ्लेक्शन देगा, तो ये सारी चीजें एक बहुत अनुभव की जरूरत होती है। उसके आधार पर उन्होंने अपने सारी इन चीजों को बनाया कि अगर ये एक खुली खुले वातावरण में रखा जाएगा तो उसके ऊपर अलग अलग मौसम का किस तरीके से इफेक्ट आएगा, लाइट का किस तरीके से, उसी टाइप के वो अनफिनिश्ड स्ट्रोक्स भी दे रहे थे कि मतलब वो एकदम प्रॉपर, मतलब चिकना चिकना नहीं बना दे रहे थे, मतलब वो एक स्ट्रोक्स में बना रहे थे उसको। कोई भी चीज हमको तभी अच्छी लगती है जब वो एक जैसी ना हो, जब उसमें कुछ हमें अनियमितताएं दिखती है, जब उसमें इम्बेलेंस दिखता है, तब वो हमको चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अगर हम एक ही जैसी सतह रखते हैं तो हमको उसमें उतना आकर्षण नहीं आता जितना उसमें कहीं कुछ खुरदरापन है और फिर कहीं से स्मूथ हो गया। तो वो चीजें जो किस तरीके से हमको कहाँ रखना है, वो कलाकारी बहुत अच्छे से बता सकता है, और वो जिसका उस चीज में बहुत सारा लंबा काम करने का एक्सपीरियंस हो, सोच ही हमें हमको अपने मुकाम तक पहुंचाती है। पहले तो हमारी आंखें इस तरीके की हों जो उन चीजों को पकड़ पाए, विद्यमान सारी चीजें हमारे एनवायरमेंट में, इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बने हुए, इतने बड़े बड़े शिल्प बने हुए, इतने वास्तु वास्तु के बिल्डिंग्स बनी हुई है, जो हमारे यहाँ जितने महल है, ये सारी चीजें हैं। तो अब वो अनुभव करने की चीज है कि ये चीज यहाँ पर क्यों प्रयोग की गई, इसको क्या इफेक्ट हो सकता है, वो सारी चीजों का जो, और उसके साथ फिर अपनी विचारधारा को जोड़ के जब हम कुछ नया करते हैं तो वही सृजन का कार्य होता है। सबसे पहली तो आस्पेक्ट सृजन के लिए निरीक्षण ही है कि जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो उसका हमको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप परस्तर के गुण दोषों को समझते हैं, आप परस्तर के गुण दोषों को समझते हैं तथा उसमें अनघड़ ओज व ऐन्द्रिक सौम्यता का मिश्रण कर आप उत्कीर्णन में अत्यंत कुशल हैं। आप उत्कीर्णन में अत्यंत कुशल है, मतलब ऐन्द्रिक सौम्यता। अब ऐन्द्रिक हमारी दोनों चीजें होती हैं, हम किसी चीज को ऐन्द्रिक के लिए हमारे पास क्या क्या संसाधन है, अगर हम ऐन्द्रिक की बात करें तो ऐन्द्रिक क्या चीजें हैं, बता सकता है कोई? जैसे यहाँ एक शब्द है ऐन्द्रिक सौम्यता, इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य इससे? अंदरूनी सुंदरता तो आंतरिक कह देते, आंतरिक मतलब जैसे फिजिकल रिद्म के बजाय अंदर का जो भाव है वो भी नहीं, फिर उल्टे ऐन्द्रिक क्या होता है, ऐन्द्रिक जो है वो हमको जो हमारी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से मस्तिष्क तक जो संचार होता है जिस चीज का, जैसे स्वाद हम लेते हैं तो स्वाद का ग्रहण कौन करता है,
ये आर्टिस्ट से कौन जुड़ा हुआ है? आर्टिस्ट नाम से सर गुंजन हम जो स्वाद ग्रहण करते हैं उसमें क्या होता है, कैसे हमारे को हमको लगता है ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है? सर कुछ सेंस रिसेप्टर्स उसको टेस्ट करके एक सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन तक, फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि ये कैसा है। तो वो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? इंद्रियां। जीवा होती है जीभ के माध्यम से ही तो हम स्वाद का अनुभव करते हैं, तो वो क्या हो गई? इंद्री हो गई। अब जैसे आंख है तो वो क्या करती है, हमको जितने भी चाक्षुष जो भी चीजें हमको सामने दिखाई दे रही हैं उनका अनुभव कराती है कि वो डिपेंड करता है कि हमारा मन किस तरीके का सोच रहा है, क्या चीज हमको अच्छी लग रही है, वो इंटरनल एस्पेक्ट है। लेकिन उस चीज को ऑब्जर्व कर वो हमारे तंतुओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम वो इंद्री करती है। इसी तरीके से कान है, वो हमको क्या कराते हैं, ध्वनि का स्वाद दिखाते हैं कि किस तरीके से ध्वनि का आनंद जो है वो हम ले पाते हैं। और उसी तरीके से जो हाथ है वो हमको क्या दिखाते हैं, स्पर्श का आनंद देते हैं। जब हम किसी चीज को छूते हैं तो उससे हमको उस सरफेस की हार्डनेस, उसकी सॉफ्टनेस, उसका खुरदरापन, ये सारी चीजें हमको महसूस होती है। तो ऐन्द्रिक सौम्यता का मतलब कि हर जगह पे जो इंद्रियां थी वो उनको एक मधुर एहसास होता है, चाहे वो उसको छू के करें, चाहे उसको वो देख के करें। अब स्वाद चाटेंगे तो है नहीं, तो जिस चीज के लिए जो हमारी इंद्री कारगर है उस इंद्री को वो सौम्यता प्रदान करे वो इंद्रिक सौम्यता हो गई। तो अब जैसे जो चीज देखने लायक है तो उसके लिए देख विजुअल्स वैसा होना चाहिए, जो छूने लायक है तो उसकी सरफेस वैसी होनी चाहिए, तभी तो हमको सारी चीजों का आनंद और स्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, इंद्रिक सौम्यता का मिश्रण कर आप उत्कीर्णन में अत्यंत कुशल। उत्कीर्णन कर मैं आप कुशल। आपने सन 1961 में आपने सन 1961 में राष्ट्रीय प्रदर्शनी नई दिल्ली कामा 12वीं द्विवार्षिक कामा 12वीं द्विवार्षिक एंटवर्प बेल्जियम 12वीं द्विवार्षिक द्विवार्षिक ब्रैकेट में लिख लो 1975, मतलब वो जो दिल्ली में हुई थी वो 1961 में हुई थी। 12वीं द्विवार्षिक 1975 एंटवर्प बेल्जियम बेल्जियम सहित कई प्रदर्शनियों में भाग लिया। समकालीन एशियाई कला महोत्सव जापान समकालीन एशियाई कला महोत्सव जापान 1979 और 1990 ब्रैकेट में लिख लेना, फिर कॉमा करके अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव
अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव समकालीन एशियाई कला महोत्सव समकालीन एशियाई कला महोत्सव एशियाई कला महोत्सव ब्रैकेट में लिख लो 1979 और 1990 और 1990 जापान, मतलब ये जो हुआ थी जापान में कामा अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय कला महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव बगदाद, अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव बगदाद 1986 1986 1986. और अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव बगदाद 1986 और टोक्यो जापान में, और टोक्यो जापान में भारत का महोत्सव, भारत टोक्यो जापान में भारत का महोत्सव इंडियन फेस्टिवल 1988 नागजी पटेल 1961 और 1976 में 1976 में राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्त करता थे। नाइनटीन सेवेंटी एट में आपको चतुर्थ ट्रिनाले नई दिल्ली के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।1993 में
आपको राष्ट्रीय प्रदर्शनी, आपको राष्ट्रीय प्रदर्शनी की निर्णायक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। आपके आपके कार्यों को ललित कला अकादमी जैसे प्रतिष्ठित ललित कला अकादमी जैसे प्रतिष्ठित संग्रह का हिस्सा है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली ललित कला संग्रहालय चंडीगढ़ एवं भारत और विदेशों में कई निजी संग्रह भी हैं। आपकी कुछ मूर्तियां कॉर्पोरेट कार्यालय आईपीसीएल ये एक संस्थान है, कॉर्पोरेशन है, आईपीसीएल बड़ोदरा जैसे स्थानों पर प्रदर्शित है। ओलंपिक स्कल्पचर पार्क
सियोल, ओलंपिक स्कल्पचर पार्क सियोल कोरिया, सियोल कोरिया, और स्कल्पचर पार्क, और स्कल्पचर पार्क, और स्कल्पचर पार्क अजीमुरे टाउन, अजीमुरे पार्क है स्कल्पचर पार्क अजीमुरे टाउन, अजीमुरे टाउन जापान। में भी आपके जो स्कल्पचर है वो संग्रहित है। नागजी पटेल नागजी पटेल अपने रूलर अपने रूलर यानी गांव अपने जहां से वो पले बड़े जिस तरीके की गांव की जो स्थितियां थी उन्हीं चीजों को उनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मतलब जो देहाती जीवन था उससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित थे और पशु पशु यानी एनिमल्स उनके पसंदीदा विषयों में से थे। आपका निधन सत्रह दिसंबर 2017 में हुआ। निधन 2017 में हुआ। ये कहाँ पे हुआ था? कहाँ के थे? गुजरात के। इसके बाद जो दूसरे हमारे कलाकार हैं इनका जो फेमस स्कल्पचर था वो बता चुके हैं कि सैंडस्टोन का बना हुआ वट ब्रश था। ठीक है, दूसरा एक इनका काम था अबैकस, ये भी स्टोन में बना हुआ था जिसका निर्माण इन्होंने 1999 में किया। दूसरे कैसे? अबैकर, एक बार फिर रिपीट कर। अबैकस, अबैकस, अबैकस क्या होता है पता है किसी को? अबैकस क्या होता है?
सिर्फ कैलकुलेट करते हैं उससे। हाँ कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरीके का जिस तरीके से इन्होंने वटवृक्ष बनाया था वो भी एक तरीके का गेट जैसा था, जिसमें कि वट का जो पत्तियां थी वो ऊपरी हिस्से में थी और बाकी जो टेक्सचर्स उन्होंने जिसके लिए उनकी महारत थी उस तरीके का उन्होंने दो पिलर्स के रूप में बनाया था। इसमें भी दो स्टोन के सेक्शंस पिलर थे अलग अलग, और उसके बीच में जो है पत्थरों के, पत्थरों को अबैकस के जैसा, जैसे अबैकस में हम क्या करते हैं गोलियां लगाते हैं गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए गोलियां या जो भी चीजें जिस तरीके से उसकी रूप होता है, उसी तरीके से उन्होंने उन दो पिलरों के बीच में स्टोन के ही बहुत सारे टुकड़े अलग 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 पत्थर अलग अलग टाइप के पत्थरों को उसके बीच में एक स्टील रॉड के माध्यम से या जो भी मीडियम रहा उनका उसके माध्यम से उसको जोड़ के उन्होंने उसका सृजन किया था। तो वो कैसा था, वो अबैकस के जैसा था, इसलिए उसका नाम उन्होंने अबैकस रखा। मतलब ये दो इनके काम बहुत फेमस काम है। बाकी इनका एक स्नेक है जिसको 2007 में इन्होंने बनाया था सैंड स्टोन पे। इनकी इमेजेस हम तुम ग्रुप में डाल देंगे जिसमें तुम लोग देख लेना कि नाम के साथ में कि किस तरीके से ये स्कल्पचर्स है। फिर एक है गॉड और गॉडेस, गॉड और गॉडेस, ये ग्रेनाइट में बना हुआ है 2006 में। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यहाँ पर ये समाप्त होता है। इसके बाद जो दूसरे कलाकार हैं वो हम लोगों के हैं एस नंदा गोपाल, एस नंदा, नंदा गोपाल। ठीक है, तो कल हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में किसी को भी कोई चीज पूछनी या हो तो वो ग्रुप में भी मैसेज कर सकता है और नेक्स्ट क्लास में भी कहीं कोई कंफ्यूजन रहा हो किसी भी चीज में पूछ सकता है, और डिस्कस के लिए वो चाहे तो इंडिविजुअली और चाहे तो ग्रुप में कोई मैसेज करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, टीजीटी की तैयारी के साथ साथ उसको भी विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो सब वर्क सारे कंप्लीट करने हैं, असाइनमेंट भी समय से ही सबमिट कर दीजिए। सर हिस्ट्री के दोस्त असाइनमेंट सबमिट करने हैं, हाँ दो असाइनमेंट्स होंगे। अब ये तो समय, ये तो काफी समय हो गया, तक तो तुम लोग के सबमिट हो जाने चाहिए थे, अब वो थोड़ा आने जाने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसको करके तो रखो और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो उसको डिस्कस कर लो। कहाँ तक पहुंची सकती है सर? टॉपिक आज आपको सेंड कर देंगे दूसरा वाला, और वो उसके सब टॉपिक असाइनमेंट की, यस सर डिसर्टेशन, हम असाइनमेंट की बात कर रहे थे, डिसर्टेशन की बात। इतना समय होने के बावजूद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक संपर्क नहीं किया हुआ है कि हमें सबमिट करना है, सिनॉप्सिस बनानी है, क्या है। समय आपके पास में है उतने लिमिटेड, एग्जाम्स कभी भी अगस्त में हो सकते हैं और उससे पहले सारी चीजें हमको कंप्लीट करनी है। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन या कुछ भी है तो उसको डिस्कस करिए, और बाकी जो क्लास ले नहीं रहे उनका तो फिर ग्रुप में सारी चीजें इसलिए समय से डाल दी जाए। उसके बावजूद आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर कल 10
15-15 क्लास आपकी रहेगी, लिंक ऐसे ही आएगा इसलिए पहले से ही मैं मैसेज कर देता हूँ। कोशिश किया करिए टाइम से ही आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्ते सर। गार्गी लगे रही तो खाली।